नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। विजय व्यूज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब सेफ हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ ये वैक्सीनेशन पे होगा। दोस्तों मुझे 3 दिन हो गया वैक्सीनेशन लेके, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। हालांकि थोड़ा फीवर और हेडेक है, ये सभी लोग को आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग को आना चाहिए। अगर मेरा फैमिली का ही मैं बात करूँ, हमारा घर पे मैं, मेरा मम्मी और मेरा नानी रहते हैं। मम्मी का 49+ है, उनका कोविशील्ड का वैक्सीनेशन दिया गया था, उनको भी कुछ इशू नहीं है। उनको फीवर तक भी नहीं आया था, सिर्फ उनको नींद ज़्यादा आ रहा था, उतना ही है। अगर मेरा नानी का बात करूं, उनका 91+ है, उनको भी कोविशील्ड दिया गया था, उनको भी फीवर कुछ भी नहीं आया था। तो वैक्सीनेशन ले से आपको प्रॉब्लम आएगा करके जो भी आप रूमर सुनते हो वो सच नहीं होता है दोस्तों। हालांकि ये सच है कि ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर आपको कुछ हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है या बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, तब आप एक बार पूछ के उसके बाद वैक्सीनेशन ले सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपका जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तब आप वैक्सीनेशन लेने के टाइम आपका इम्यूनिटी भी कम रहेगा और एंटीबॉडीज जाके काम करने के लिए आपका हेल्थ करेक्ट से वर्क नहीं करेगा, तभी आपको प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगा, सीरियस रहेगा। नहीं तो आप आराम से वैक्सीनेशन ले सकते हैं। अगर मेरी बात करूँ तो मुझे कोवैक्सीन दिया गया था। मेरा 30 है एज। मुझे पहला दिन कुछ फीवर नहीं आया था, हालांकि हेडेक था, अभी भी है, मगर फीवर नहीं आया था पहले दिन। सेकेंड डे इवनिंग को फीवर आया था, अभी भी फीवर है और नींद अभी भी चालू है, नींद ज़्यादा आती है। फीवर कम हुआ है मगर फुल नहीं हुआ है। जो डॉक्टर्स टैबलेट रेकमेंड करते हैं डोलो 650, ये आप ले सकते हैं, खाने के बाद ले लीजिए। अगर आपको फिर भी कम नहीं हो रहा तो एक बार चेक करवा लीजिए डॉक्टर के पास जाके, उन लोग फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन देना है उन लोग दे देंगे। मगर जो वैक्सीनेशन जो लेना है वो ज़रूरी है, सभी लोग लेके सेफ रहिए। दोस्तों पहले जो 28 डेज का टाइम था वो तो ठीक था, अभी 84 डेज हो गया। जो पहला वैक्सीनेशन लेता है सेकेंड डोज तक उसको सेफ रहना है। और जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि फर्स्ट वैक्सीनेशन लेने के बाद पहला जो 3 या 4 दिन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। आप नहा नहीं सकते, चिकन मटन ऐसा कुछ खा नहीं सकते, ड्रिंक्स आप नहीं कर सकते हैं। ये सब करने से आपको हेल्थ में चेंजेस आएंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिख सकती है। तो जो भी डॉक्टर की तरफ से रिकमेंडेड है उसको फॉलो कीजिए। जो 84 डेज़ का जो सेकेंड डोज का साइकिल है तब तक सेफ रहिए। सेकेंड डोज लेने के बाद भी आप तभी सेफ हो सकते हैं, आप मास्क सही ढंग से पहन के, आप हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं। तो अभी नया नया वेरिएंट आ रहा है दोस्तों, उससे भी हमको बचना है, थोड़ा सेफ रहिए। मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा बिजी था और वैक्सीनेशन का भी टाइम चालू था, उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस नहीं बनाया हूँ, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। आगे मैं ज़रूर मैं वीडियोस कंटिन्यूसली बनाऊँगा दोस्तों। जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, ये चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर आके गेन किया है। हालांकि ये उतनी बड़ी बात नहीं है, मगर जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
1000 सब्सक्राइबर रीच होना एक ड्रीम होता है सबके लिए, जो सभी लोग सोचते हैं 1000 सब्सक्राइबर या 4000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करके जो मोनेटाइज करेंगे। ये सबका ड्रीम रहता है, मेरा भी यही ड्रीम है, मगर थोड़ा टाइम लगा तो भी कुछ इशू नहीं है, स्लो से थोड़ा अचीव करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा, और दोबारा बताता हूँ 1000 सब्सक्राइबर के लिए थैंक यू, जिसने भी सब्सक्राइब किया है थैंक यू। मैं आगे वीडियोस बनाता रहूँगा, हालांकि थोड़ा डिले हो गया तो क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, मगर ज़रूर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। आगे बहुत सारी ट्रैवल वीडियोस पेंडिंग है, अभी सिचुएशन की वजह से मैंने कुछ वीडियोस नहीं बनाया हूँ, मगर आगे ज़्यादा वीडियोस करने के लिए ट्राई करूँगा। ट्रैवल वीडियोस आएंगे, न्यूज़ वीडियोस आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, सेफ रहिए, मास्क ज़रूर पहनिए जब भी आप बाहर जाते हो, बाय।